मेरा नाम लालचंद ठाकुर है जी और मैं जिला कुल्लू का रहने वाला हूँ। साथ में बिजली महादेव खराल घाटी है और इस जगह पर किंजा गांव में मेरा मकान है जी। मैं कारपेंटर का काम भी करता हूँ जी और इसके साथ साथ मैं ज़िम्मेदारी का काम भी करता हूँ। हमारा कुल्लू का एरिया है जी भूकंप से संवेदनशील जगह है। यहाँ पर बड़े ध्यान से जो है मकान बनाना पड़ता है क्योंकि यहाँ के पहाड़ों में जो है सीढ़ीदार खेत होते हैं और इसको प्लेन करके बनाया जाता है और यहाँ भूस्खलन की भी ज़्यादा संभावना रहती है जी। जी पहले हम पुराने मकान में रहते थे, ऊपर वो लकड़ी के हुआ करते थे जिसमें मतलब काष्ठकोणी शैली के होते थे वो, जिसमें एक रद्दा जो है पत्थर का होता था, एक रद्दा जो लकड़ी का होता था जी। मैं जैसे ही कुल्लू दशहरा में गया और वहाँ पर जो है प्रवीण कौंडल जी ने मेरे को इस सरिये के बारे में भी बताया। इसके अलावा पार्थ एंटरप्राइज अपना राजकुमार बंगा जी से भी मिलवाया और उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी जी कि ये टाटा टिस्कॉन का सरिया जो है ये लंबे समय तक चलने वाला और भूकंपरोधी है। इस कारण इस सरिये को जो है मैंने भी चुना और इसका मकान बनाया। इसकी जो फाउंडेशन है वो भी बहुत मजबूत हुई क्योंकि ये गहराई में भी दिया और सरिया भी इसका मतलब अच्छा लगाया जी। फिर यहाँ पर काम शुरू हुआ, कई मुश्किलें कई अड़चनें आई, उसके बावजूद भी हमने मतलब काम जारी रखा। टाटा टिस्कॉन 550 ST का स्टील इसमें लगाया हुआ है जी। आम सरिये में फर्क ये होता है कि मतलब वो आम सरिया जो है रिसाइकल होके आया होता है। जैसे इन्होंने बताया था कि अगर आम सरिया लगाएंगे तो ये ताश के पत्ते की तरह ढह भी सकता है, जबकि टाटा टिस्कॉन का जो है मतलब मजबूती के साथ खड़ा रहता है। इसलिए मैंने इस टाटा टिस्कॉन सरिये को जो है चुना है। मेरे को इसके ऊपर काफ़ी विश्वास है। अब जो इस मकान के अंदर मैं बेखौफ और बेफिक्र होके इस मकान के अंदर अपना समय गुजार रहा हूँ जी, आइंदा भी मतलब इसके ऊपर टाटा स्टील ही लगाऊंगा और दूसरे लोगों को भी मैं यही कहूँगा कि ये बहुत ही विश्वसनीय सरिया है जिसको आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा घर कोई भी भूकंप सह सकता है क्योंकि ये अंदर से बहुत ही मजबूत है।